Hello everyone, today I am present at Shivaji Stadium to attend one of the official attempts of Guinness World Record, which is organised by Kalaaakar Foundation, and the founder of this organisation is Mrs. Jaya Arora. And we are going to see so many artists, around 1200 or 1300 artists are going to paint canvases one at a time. We can see the crowd here, the artists are coming. The artists are from all India, some are from north, from centre, from south states as well. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट इस वक्त मौजूद हैं. मैम, वेलकम टू कलर कैनवस. थैंक यू मैम. आप कहाँ से आए हैं? कब? हम लोग हरियाणा से आए हैं. लाइक आपको कहाँ से पता चला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होने? एक्चुअली हमारे कुछ आर्टिस्ट दोस्त हैं, उन लोगों ने हमें ये बताया था. कुछ सीनियर हैं हमारे, कुछ जूनियर हैं, वो स्कूल्स में और कई सारी फैकल्टी ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं वो एज ए आर्टिस्ट. तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स आए हैं, तो आपके ग्रुप का नाम क्या है? मैथ ग्रुप, हमारे ग्रुप का नाम. बेसिकली हरियाणा से जो बिलोंग आए हैं आर्टिस्ट? नहीं नहीं, उत्तराखंड के हैं बेसिकली जितने भी आर्टिस्ट हैं. हम लोग जो हमारे फ्रेंड हैं जो संतोष सहनी कुमार हैं, वो मिनर्वा इंस्टीट्यूट देहरादून में प्रिंसिपल हैं, वो मेरे सीनियर हैं, तो उनके थ्रू हम लोग यहाँ आए हैं. मतलब आप सभी पेंटिंग? हाँ जी, सभी पे. कलाकार फाउंडेशन ने हमें इतना अच्छा मौका दिया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. एज वी कैन सी, वी देयर सो मेनी आर्टिस्ट कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू अटेंड द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. हेयर विद मी इज संतोष यादव. आप कहाँ से? फ्रॉम मेरठ. तो आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने में कैसे अच्छा लग रहा है? मैं यूपी मुरादाबाद से आई हूँ. और कोई है? आपके ग्रुप का नाम क्या है? मैम, खजूर ग्रुप से हम. जी, खजूर खजूर खजूर. जी, तो आप सब लोग बेसिकली एक ही एरिया से आए हैं, अलग अलग स्टेट से? अलग अलग स्टेट से हैं. कलाकार फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते? मतलब अच्छी थी मैं, अभी हम इन अच्छी फील आ रही है, कुछ डिफरेंट है, बहुत अच्छी है. एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग जगह से, यूनिवर्सिटीज के, प्राइवेट हॉबी आर्टिस्ट, सब एक प्लेटफॉर्म पर है. या सब पे एक साथ व्हाइट पहनी थी, ये बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है. आपके ग्रुप का नाम? बलूच. हाँ, बलूच. हाँ, बलूच. आप सभी जामिया से हैं? हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. और नेक्स्ट ग्रुप इज विद मिस विदासी बर्गर. तो सर, आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली, रोहिणी. आई डिड मास्टर फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया इन आर्ट एजुकेशन. राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ विजुअल एजुकेटर इन जी डी गोयनका, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू वर्क हियर, एंड इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. हाउ आर यू फीलिंग अबाउट अटेम्प्टिंग द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? नो, इट इज़ द सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड. या अर्लियर वी डिड इट इन मेरठ. इट इज़ अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेंटिंग. तो दिस टाइम वी हैव टू मेक अ पेंटिंग इन ऑन एनवायरमेंट डे. So with me is Mrs. Aarti. Hello ma'am. Hello. How do you feel about this? So I'm very much excited, and it's my first event. I'm just taking part in such a huge event for the first time, and by numbers we have already made record. Now it's the turn of the painting. So what do you have to say to the audience about this environment? Yeah, they should take care of the environment, and this is the another way of creating awareness among the people to save environment. And now with me is Ritu. आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ. और हमारे साथ नीना जी भी जुड़ी है. हाँ, आई हैव कम फ्रॉम पुणे, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू कम हियर, एंड द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग हियर इज रियली एक्साइटिंग मी, एंड आई विश एवरीवन टेक्स केयर ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, एंड दैट इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी एज आर्टिस्ट आर डूइंग अवर बिट, एंड वी एक्सपेक्ट दैट द ordinary people also come together and make the efforts to make the environment. This is a single platform where we can see professional plus right. Teachers and hobby artists. Right. So what do you have to say about this? It is perfect. It is a good combination. Artists में से hobby artists, professional artists कुछ नहीं होते. Art तो अंदर से निकलती है. हर व्यक्ति artist ही होता है. I feel every person is an artist. Every child is an artist. Whether they practice artist art or not, everyone is an artist. Thank you so much, Nina ji. And now with us is Hello. Yeah. Nilima Agarwal. आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद. गाजियाबाद. So what do you have to say about this event? I'm really excited about being associated with Guinness, yeah. Because it's a big name. So I'm really happy, and secondly, environment's such an important thing, and my painting also is about gratitude. Yeah. It's about gratitude to Mother Nature. Yeah.
So I'm really excited. You're going to paint that. Yes. Happy Environment Day. तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने हमारे साथ कुछ और आर्टिस्ट जुड़े हैं. आप हमें अपनी इंट्रोडक्शन दीजिएगा और बताइएगा आप कौन से शहरों से आए हैं. सबसे पहले मैं संजीव, मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से ही हूँ. दिल्ली से ही है. और आप? मैं मोनू, मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ और मैं भी दिल्ली से ही हूँ. और आप? मैं कल्पना फ्रॉम जामिया. मैं भी शामिल और मैं भी जामिया. तो बेसिकली आप लोगों को कैसे पता चला था कलाकार फाउंडेशन की तरफ से गिनीज अटेम्प्ट होने वाला? ग्रुप बना हुआ है जिसमें लोग प्रोवाइड करते हैं सारे इवेंट्स और शेड्यूल सारे प्रोवाइड करते हैं. तो जामिया स्टूडेंट्स को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे क्या कहना, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया. तो डू यू वांट टू प्लांट अ ट्री एज वेल विद दिस बिल्डिंग? आप सभी करेंगे, सभी प्लांट करेंगे. हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. हैप्पी एनवायरनमेंट डे. So there are around 1,145 artists are present to create a record for Guinness. As we can see, there are so many artists from all over India. Some are from Pune, from Maharashtra, from Bihar, from Jharkhand, everywhere. You can see that they are painting for World Environment Day everywhere, greenery. Now we are with some artists. Naushad Akhtar. From where? Kiratpur, Bijnor. जी. तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ तमाम कलाकार दिलो जान से लगे हुए हैं इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए और इस रिकॉर्ड को हमने बना दिया. बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू, थैंक यू. और हम जैसे हम देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों से आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं. यहाँ पे उम्र का भी कोई दायरा नहीं है. हमारे साथ नेक्स्ट आर्टिस्ट है. कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ. कैसा फील आ रहा है रिकॉर्ड? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं विश्व में बनने वाले रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही हूँ. थैंक यू सो मच. अब हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं मिस्टर लक्ष्मण कुमार, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं और ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मौजूद हैं. तो सर आपको कैसे फील आ रही है? बहुत अच्छा लगा. कलाकार फाउंडेशन के लिए आप क्या मैसेज दें? कलाकार के लिए? जी, कलाकार के लिए तो हम 24 घंटे हाजिर हैं. कहीं भी कुछ भी करना होता तो हम तो वैसे ही आते. बेसिकली आपने रिकॉर्ड बना ही लिया है. हाँ. आप भी इसके पार्ट हो गए हैं. हाँ, नहीं अच्छी बात है. नहीं बहुत अच्छा लग रहा है. इंडिया में नाम रोशन हो गया कलाकार? नहीं, इंडिया का तो होना ही चाहिए. जब काम कर रहे हैं तो नाम तो होना चाहिए ना. थैंक यू सो मच सर. और हम देखते जा रहे हैं यहाँ पे हर उम्र के, हर दायरे के आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है. चाहे वो ट्रेनी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हॉबी आर्टिस्ट हो, सभी हमारे साथ मौजूद हैं. जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं और इसी इन्हीं आर्टिस्टों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स भी रखे गए थे. इसी तरीके से एक कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं. मैम अपना इंट्रोडक्शन. मैं डॉक्टर वंदना वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मुजफ्फरनगर यूपी से. मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, BA के भी हैं, MA के भी हैं और PhD के भी हैं. अप्रॉक्सीमेटली 60 स्टूडेंट्स आए हैं मेरे साथ जो यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घूस बम हो रहे हैं. बेसिकली आपने इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिप्रेजेंट किया. यस यस. आप क्या स्टूडेंट्स को किस तरीके की फील आ रही है? स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि इस तरह थोड़े टाइम के लिए आना और फिर पेंटिंग करना, अपनी कला सबको दिखाना किस में कितनी कैपेसिटी है, ये इनके लिए भी फायदेमंद है. इससे आगे इनकी पेंटिंग और इम्प्रूव होती है. बहुत अच्छी. थैंक यू सो मच. हमारे साथ देश के कोने कोने से आर्टिस्ट जुड़े हैं. इसी तरीके से हमारे साथ एक आर्टिस्ट है गिनीज रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करने के लिए. फ्रॉम जयपुर. मैम आई एम पवन कुमार टांग, जयपुर. सीनियर आर्टिस्ट फ्रॉम राजस्थान. और ये दिल्ली के अंदर ही आयोजन किया जा रहा है. सुभाष राजीव चौक है और राजीव चौक में ये क्या नाम है, शिवाजी स्टेडियम है यहाँ पे. और शिवाजी स्टेडियम में करीब करीब हमने देखा है करीब 1500 से भी ऊपर आर्टिस्ट करीब करीब यहाँ पे है और सभी को अलग अलग थीम पे ये पेंटिंग बनाने को दिया गया है. और पहला रिकॉर्ड जो था वो जापान के नाम था और ये दूसरा रिकॉर्ड जो उससे ऊपर जाने वाला है ये दिल्ली के नाम, इंडिया के नाम जाने वाला है. आपको कैसा फील आ रहा है अब एक रिकॉर्ड? इतने बड़े आयोजन में, इतने पब्लिक के बीच में और इतने आर्टिस्ट के बीच में काम करना एक सभी आर्टिस्ट को लिए एक अनुभूति है और सभी अपने आप में गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इतने तमाम आर्टिस्ट के बीच में और इतने बड़े आयोजन के बीच में कलरफुल जो एंजॉय कर रहे हैं उसका तो शायद मुकाबला शायद वो अपनी लाइफ में कभी कर भी नहीं पाएंगे, शायद मेरा ये मानना है. एक थीम था एक पेड़ एक जिंदगी. आप लोगों को जी ये एक थीम एक पेड़ जिंदगी जो था इसमें सब हरियाली को लेके, स्वच्छ भारत को लेके इस अभियान को छेड़ा गया है और जया मैम के सानिध्य में ये आयोजन किया गया है और जया मैम का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. तो आप अपना वर्क दिखाएंगे? आपने क्या दिखाया अपने वर्क के? जी मैम हमको ये वर्क दिया गया है कि ये एक थीम जो एक पेड़ है उसमें हमको हरियाली और पानी का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है
तो ये पानी के अंदर कुछ सीप नज़र आ रही है हमारी, को अलग अलग थीम दी गई है पेंटिंग बनाने के लिए, किसी को पेड़ दिया गया है, किसी को सीप दिया गया है, किसी को जंगल दिया गया है, ये सब अलग अलग नेचर पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो पानी का जो इफेक्ट है ये भी अपना नेचर से ही ताल्लुक रखता है, पेड़ और पानी दोनों मिलकर एक नेचर बनता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। एकदम मिट्टी में मिल जाए, ना कि उसको अगर जलाएं तो वातावरण में प्रदूषण फैले, क्योंकि प्लास्टिक को जलाएंगे तो बहुत भयानक गैसेस निकलती है। अगर आप उसको मिट्टी में दबाएंगे तो वो कभी समाप्त नहीं होता, 400 साल तक वहीं पड़ा रहता है। और फाइनली लैंडफिल के माध्यम से ये सब चीज़ें समुद्र में जाती है, और समुद्र में जब माइक्रो प्लास्टिक जाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी पूरी फूड चेन खराब होती है, कि मछली के पेट में गया, मछली के को खाने वालों के उसमें गया, फिर पूरी फूड चेन जो है वो खराब होती है, इकोसिस्टम खराब होता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि ये जागरूकता भी फैलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ी है कलाकार फाउंडेशन की ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऑफिशियल अटेम्प्ट ऑर्गेनाइज किया था, जया अरोड़ा। वेलकम टू कलाकार। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और ब्रेक हो गया रिकॉर्ड? होपफुली रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो चाइना का रिकॉर्ड था वो 739 का था और हमने 1145 किए हैं। तो होपफुली अब गिनीज से हमें रिकॉर्ड जो है ऑफिशियली जब वहाँ से लेटर आता है या सर्टिफिकेट के लिए आएगा तभी मानेंगे। लेकिन आज रिकॉर्ड के पर्पज़ से नहीं, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जो जुड़े हैं वो भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में, क्योंकि 1145 आर्टिस्ट एक जगह खड़े होकर अगर काम करते हैं तो इसमें आर्टिस्ट की यूनिटी शो होती है। ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं, इस ये बहुत बड़ी बात है। गिनीज एक आज के दिन के लिए गिनीज एक सेकेंडरी थिंग थी, लेकिन गिनीज के वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट ने आज यूनिटी दिखाई है। गर्मी बहुत थी, परेशानियाँ भी थी, कहीं पानी की कमी भी थी, कलर्स धीरे पहुँच रहे थे, लेकिन आर्टिस्ट जो हैं जब पेंटिंग बनी तो आर्टिस्ट इतने खुश थे और एक अटेम्प्ट जो है वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है। जी, और आपने एक अच्छा मैसेज भी दिया, एक पेड़ एक जिंदगी। हाँ, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए था, तो एक पेड़ एक जिंदगी मैंने इसलिए दिया कि अगर हम लोग एक पेड़ लगाते हैं तो हम एक जिंदगी जो है, एक जिंदगी को ऑक्सीजन के लिए, एक जिंदगी के लिए हम आगे रास्ता खोलते हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा इवेंट जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए था। कलाकार फाउंडेशन देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड अब फेमस हो ही चुकी है, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से आर्टिस्ट आए थे। हाँ, ऐसा कोई भी शहर नहीं था। हाँ, मैंने सारे शहर लगभग कवर किए हैं, जम्मू कश्मीर से लेके और केरला तक आर्टिस्ट थे, इधर अरुणाचल प्रदेश थे, कोलकाता से और गुजरात से आर्टिस्ट जो है पार्टिसिपेट किया है। तो मैं उन सब आर्टिस्ट को थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने आके ये इवेंट सक्सेसफुल बनाया। बिना आर्टिस्ट के आने से कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता, तो थैंक यू टू ऑल आर्टिस्ट जो पार्टिसिपेट किया जिन्होंने। थैंक यू सो मच जया जी, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका गिनीज रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ब्रेक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोबारा से अब एक ऑफिशियल लेटर जब आएगा तब दोबारा से एक इतना ही बड़ा इवेंट करने की कोशिश करूंगी कि हर आर्टिस्ट को स्टेज पे लाके गिनीज का ऑफिशियल सर्टिफिकेट उनको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल अटेम्प्ट के लिए, ब्रेक होने के लिए जया जी को कलर कैनवस की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, और वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आप फ्यूचर में भी इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, रोशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, आर्टिस्ट के साथ हैं। बिल्कुल, थैंक यू।